पदयात्रा काफी जगह पर मैंने यात्रा की और मैं राष्ट्रीय हित व जनहित में एकता बनाओ हिंसा छोड़ो कि मनोती मानते समाज के हर इस तरफ से आइए प्लीज। राष्ट्रीय महाराजा माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं लक्ष्मी सीमा बंदा रागिनी द्वारा उनका अर्पण किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मंगल बिहारी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं और श्रीमान बिहारी साहब जीपी बिहारी साहब मुख्य न्यायाधीश पूर्व मुख्य न्यायाधीश हमारे बीच में आए हैं। कृपया जोरदार कार्य दल का स्वागत करते हैं और श्री मंगल बिहारी जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। गुरु जी राम शरण जी अत्यानुदासी जी हमारे लिए बना चुके हैं। श्री मंगल बिहारी जी हमारे लिए आ गए इनका जोरदार कार्य से स्वागत करें। हमारे सभी प्रोग्रामों में होता है हमें कहते हैं कि हमारे प्रदर्शन अध्यक्ष श्री मालू प्रसाद जी तिवारी श्री बीबी बिहारी साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री समर्थ लाल जी मीणा अभी पधारने वाले हैं। श्री मंगल बिहारी जी पूर्व वित्त आयुक्त हैं और श्रीमती राजा हंडा वो भी अपने बीच में पधारने वाली हैं। प्रतिभा का सम्मान करना अनुशासन का सम्मान करना है। ऐसे माहौल में यदि अच्छे व्यक्तियों को हम पहचाने और उनका आदर करें तो ये बहुत बड़ा काम हम कर रहे हैं देश के हित में और इससे हमें एक बात की हमेशा याद रखने की मौका मिलता है वो ये है कि लोकतंत्र में जब तक हम जागरूक नहीं रहेंगे लोकतंत्र में जब तक हम अच्छे लोगों को नहीं भेजेंगे तब तक लोकतंत्र की ऐसी ही दशा होगी जो आप देखते हैं टेलीविजन। बजाय इसके कि कोई युक्ति दें बजाय इसके कि कोई आर्ग्यूमेंट करें बजाय इसके कि कोई दलील दें जो अच्छी लगे जो देश के हित में हो सिर्फ शोर मचाना ही अगर दलील देना है तो आज का लोकतंत्र जो है ना कामयाब हुआ है। ऐसे लोकतंत्र में बहुत जरूरी है कि हम प्रतिभावान लोगों को पहचाने। हमारे कुछ भाई और बहन देख सकती सुबह से थोड़े देर में आए हैं। मैं निवेदन करूंगी कि आप दो सेकंड के लिए और परेशान करूंगे तो ये हर्बल स्पॉट आपके आ गए हैं कृपया आए। अब मैं हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री महेश चंद्र शर्मा जो कि डायरेक्टर एम एन चिट फंड लिमिटेड कंपनी के हैं मैं चाहूंगा कि वो आते हैं मंच में और ऑर्डर करता हूँ। अध्यक्ष महोदय आसाम उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री जी बिहारी साहब सदस्य सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि श्री मंगल बिहारी जी पांडाल में उपस्थित समस्त क्षेत्रों के आए प्रबंधक वर्ग जनता शिक्षक के विद्वानों जैसा कि आप सबको याद है कि आज 19 जुलाई 1988 को यह राष्ट्रीय जनता स्वतंत्र मंच एक स्मृति दिवस के रूप में श्री अविनाश कुमार जी आना की प्रथम पुण्यतिथि के रूप में मना रहा है। यह है गौरव की और खुशी की बात है जबकि जैसा कि हमें विदित हुआ है श्री अविनाश कुमार जी हांडा एक अच्छे समाज सेवी कुशल वक्ता और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे। ऐसे व्यक्तियों के लिए किसी मार्ग का अनावरण होना हमारे लिए नहीं उन मार्ग में रहने वाले व्यक्तियों के लिए गौरव की बात है। आज उनकी पत्नी श्रीमती हांडा जी ने इस मार्ग का अनावरण करवाकर
आज अपने पति के स्मृति को याद किया है, मैं उन्हें भी धन्यवाद दिए बिना नहीं रह सकता। जैसा कि आपको याद है कि अपना यह स्वतंत्र मंच जिसके कि प्रदेश अध्यक्ष श्री महावीर प्रसाद जी चौधरी हैं, उनके अथक परिश्रम से, उनकी सूझबूझ से, थोड़ समझ से इन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए आदत व्यक्तियों को, प्रबंधकों को सम्मानित किया है, कि हम सब के लिए बड़े गौरव की बात है। और इन महावीर प्रसाद जी चौधरी ने जिन व्यक्तियों को सम्मान किया है वह राजस्थान स्तर के प्रत्येक क्षेत्र के एक अच्छे अग्रणी सम्मानित व्यक्ति और हौसले से अपने कार्य को सफल बनाने वाले साथी व्यक्तियों को सम्मान दिया जा रहा है। इस प्रकार का सम्मान देकर इस मंच पर इकट्ठा करने के लिए मैं इस मंच के प्रदेश अध्यक्ष, मंच के उपाध्यक्ष श्री आनंद गोयल जी एडवोकेट और जो भी मंच के कार्यकारिणी के सदस्य और मंच के कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं उन सबको एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिस प्रकार इस मंच को तोड़ी जी ने संकल्प लिया है कि इस मंच को हिंदुस्तान का प्रकाश बनाया जाएगा, तो मैं श्री तोड़ी जी को यह बताना चाहता हूँ कि इस मंच को हिंदुस्तान का प्रकाश बनाने के लिए आपको और भी कड़ी मेहनत, अथक परिश्रम, बड़ी सूझबूझ, सच्चाई और ईमानदारी से कार्य करते हुए, पैसे की ओर ध्यान नहीं देकर, व्यक्ति की ओर ध्यान देकर कार्य को किया जाएगा, तो मैं समझता हूँ कि आपको अपने सिद्धांतों में और सोचे गए कार्यों में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। आज यह एक प्रदेश स्तर का आयोजन है। जिस प्रकार तोड़ी जी इस मंच के लिए मेहनत कर रहे हैं, इसी प्रकार की मेहनत यदि संपूर्ण कार्यकारिणी और कार्यकारिणी इस रूप करते रहेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले समय में यह मंच आज राजस्थान प्रदेश पर ही अपना अस्तित्व बनाए हुए है, पूरे हिंदुस्तान पर राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व बनाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर अपना अस्तित्व बनाने के लिए इस मंच को और मंच के पदाधिकारियों को बहुत गहन और गहरी मेहनत करनी पड़ेगी। और मुझे उस दिन खुशी होगी जब यह मंच राष्ट्रीय स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन करेगा और पुरस्कारों का वितरण करके जो प्रतिभाशाली व्यक्तियों को सामने लाकर एक ही मंच पर सम्मानित करेगा, जब मुझे अत्यंत खुशी प्रतीत होगी। आज इससे पहले भी 1 मई 1988 को समस्ता सम्मान जो मनाया गया था, उसमें भी जो प्रबंधकों को हमारे राजस्थान विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री समरलाल जी मीणा के द्वारा प्रस्तावों का वितरण किया गया था, वह भी एक सराहनीय कार्य था जिसकी मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ। आज इस मंच पर श्री जी पी रैली साहब जो राजस्थान न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं, उनके द्वारा जो मुझे सम्मान दिया गया, मैं श्री रैली साहब को विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस सम्मान की मर्यादा और गौरव को हमेशा बनाए रखने का प्रयत्न करूँगा। बस इतना ही कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद। जय जय भारत। अब इसके बाद में मैं चाहूँगा कि समस्ता सम्मान समारोह में श्रीमती प्रेमा जी राव जो समाज संहिता हैं वह भी अब महारानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में प्रधानाचार्य हैं।
हमारे भी श्रीमती एलिस ग्रैक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता बता रही है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो भी मंच पे दो सब कहें। तो बाहरी और अंदरूनी दोनों ही उसे बचाएं, और जो हमें आजाद खून बहाकर दिया है उसको हम बनाए रखें, उसको हम बचाए रखें। मैं श्री प्रियंका श्रीवास्तव प्रधानाचार्य महारानी भारतीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय बलिबान जयपुर, वह भी हमें दो सब कहते मार्गदर्शन करें। कृषि या खेती जो होती है वो पुराने तरीके से होती थी, लेकिन हमारे लोहर जिला के हनुमानगढ़ जिले के लोहर ग्राम के जो हैं एक संपादक महोदय यहाँ पे आए हैं। पत्रकार महोदय बहुत अच्छा आपको नामकरण जी माननीय न्यायमूर्ति देवी साहब समाज सेविका श्रीमती गर्ग और आदंत महानुभाव एनजीओ सज्जनों और भारत स्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस के प्रारंभ में अलग अलग देवी देवताओं की वंदना की है। उसमें उन्होंने लिखा है बंदों संत असज्जन चरना दुख प्रद कुह बीच प्रति भरना मिलत एक दारुण दुख देही विशुद्ध एक प्राण नर देही। और इस प्रकार से आगे इस गुणों को ले जा सका। आज के जमाने में यह है कि अगर इस प्रकार के विद्यार्थी कोई हैं, इस प्रकार के अध्यापक कोई है जो कि इधर उधर की चालबाजियों में शामिल होकर के केवल पढ़ने पढ़ाने में ही शौक रखते हैं, तो उनको कोई ध्यान नहीं देता, उनको कोई सम्मान नहीं देता, उनकी कोई पूछता नहीं है। Thank you.